तुमसे एक सवाल पूछना था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम वापस आ गए? अच्छा रहा। हाँ, और तुम्हारा? अच्छा था। तुमसे एक सवाल पूछना था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं पूरे दिन बैठकर यही सोच रही थी कि इस शादी में तुमसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है, और ये बात तो सच है। तुम एक साफ दिल लड़के हो जो जिंदगी भर सिंगल रहना चाहता है, फिर मुझसे शादी क्यों करनी है? मेरे लिए ज्यादा फायदे हैं, और तीन कारण भी हैं तुमसे शादी करने के। पहला, मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं किया, खासकर मेरी मॉम को। उनकी वजह से तुम्हारे काम में तुम्हें परेशानी भी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। रीजन एक्सेप्टेड। दूसरा? दूसरा, तुमसे शादी के बाद मेरी मॉम की जितनी भी इच्छाएं वो सारी वो छोड़ देंगी, और वैसे भी सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मॉम को सुधार सकती हो। थैंक्स। और तीसरा? तीसरा, मुझे और मेरे कछुए को ये घर बहुत पसंद है, हम दोनों यहाँ रहना चाहते हैं। यानी तुम मुझे पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। वर्बल अग्रीमेंट काफी नहीं है? पेपर में लिख दूंगा। इस अग्रीमेंट पे लिखा है कि हमारी शादी 3 साल की होगी, और 3 साल काफी होने चाहिए तुम्हारे काम को खत्म करने के लिए। ये तो काफी डिटेल में लिखा है। गुड। इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मैं 3 साल तक रेंट पे करता रहूंगा। ये रहा एक और एग्रीमेंट, ये एक प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट है। इसमें लिखा है हमारे शादी के पहले और बाद के एसेट्स के बारे में। इससे ये फायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा नहीं होगा। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और हाँ, शादी को लेकर मैं ये जितना हो सके उतना सिंपल रखना चाहता हूँ, और खर्चा कम करना चाहता हूँ। अगर वेडिंग सेरेमनी ना रखे तो बेहतर होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल अफेयर ब्यूरो में हमें आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्टर की जरूरत होगी। मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर मेरी मॉम के पास है, उसे लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम्हारा? वैसे मेरी मॉम की ज्यादातर बुकलेट पे ही आंखें गड़ी रहेंगी, और मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक से मैनेज कर लूंगा। तो सब सही है, डील पक्की समझू? तो डील पक्की हुई। रुको। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे तुम खुद को भी चिमटी काट सकती हो ना, मुझे दर्द हो रहा है।
टशी, मुझे फिर से बोलो ना, एक बार फिर से सुनना है मुझे। मैं शादी करने वाली हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? वैसे तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहती, तो अब क्या हुआ? कहीं आज सूरज उल्टी दिशा से तो नहीं होगा? अपना मन कैसे बदल लिया तुमने? ए, तुम मुझे डराओ मत। कहीं तुम ऐसी होम बाइंग स्कीम में तो नहीं फंस गई जिसमें प्रॉपर्टी लेने के लिए शादी करना जरूरी हो? ओहो, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है, अब छोटी बच्ची नहीं रही। आप बिना, वैसे वो सिंगल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी कर रही तो उससे भी अच्छी बात है। और एक बार शादी हो जाए फिर जल्दी से बच्चे हो जाएंगे। तुम कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो, देखा तुमने? क्या पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं? हाँ बिल्कुल, बोलो ना, आगे बोलो ना। डैड के बर्थडे वाले दिन मैंने कुछ रूडली बात कर दी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों से हर्ट नहीं हो गए। मैं जानती हूँ एज पेरेंट्स आप लोगों को मेरी बहुत फिक्र होती रहती है, तो बेटी होने के नाते मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए और आपके इमोशंस समझने चाहिए। देखो, तो मैंने सोचा कि इस चीज को यहीं खत्म करते हैं ताकि आप दोनों चैन से रह सके। ओह माय गॉड, इसकी जुबान इतनी मीठी कैसे हो गई? सच में खुशखबरी है। फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। और एक बार तुम शादी कर लोगी तो उसके बाद तुम्हारे डैड और मैं भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। अच्छा, तो कब होगी शादी? कब कर रहे हो तुम लोग? मैं सोच रही थी जितनी जल्दी हो सके। ये तो सही बात है। जितना जल्दी होता उतना ही बेहतर है। क्योंकि हम दोनों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और हम बिजी भी रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक सिंपल सी सेरेमनी करें। ये भी ठीक है, सिंपल शादी में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जानती हो ये शादी जो होती है ना, ये पर्सनल मैटर होता है और हमें शादी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना? और ये सेरेमनी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, क्यों? सही कहा ना? सही कहा। और पैसों को आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, समझी? क्यों मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हो। मॉम डैड आप लोग इतने ब्रॉड माइंडेड है, आई फील प्राउड ऑफ यू। तो क्या मैं हाउस होल्ड रजिस्टर ले सकती हूँ? बिल्कुल। क्या तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्टर किस लिए चाहिए? शादी रजिस्टर करने के लिए। शादी कब रजिस्टर करने वाली हो? आज आज ही।